तो गाइस अब हम इस पल्ले को इस तरह से कर लेंगे, बट ये साड़ी का कलर है बहुत प्यारा, इसमें मेरी सुंदरता बढ़ सी जा रही है। Hey guys, good morning and welcome back to new vlog. Morning के हो चुके हैं 6:30 और अभी निकल रहे हैं घर के लिए। बारिश ने दस्तक दे दी है गाइस, और मैं दिखा देता हूँ फैमिली मेम्बर्स का नज़ारा। ये हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं गाइस, तो सब बहुत ही प्यारी अपनी फीलिंग लेके चल पड़े हैं। फिलहाल खोल रहे हैं गाड़ी क्योंकि बहुत प्यारी बारिश आ रही है। मुझे लग रहा था बहुत डर कि गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मौसम में थोड़ी राहत हुई है। एसी के अंदर तो पता नहीं चल रहा है। तो गाइज अभी पहुंच गए हैं हम अपने गांव के आसपास, मेरी ससुराल में हम आने वाले हैं, और अभी हमको करना है पल्ला, तो पल्ला भी ले लूँगी मैं ऊपर को। और बारिश तो यहाँ ज़बरदस्त पड़ रही है, बाइक पर चल रहे हैं ज़बरदस्त, और मौसम बहुत अच्छा होता है। गाँव में रहती है ग्रीनरी, तो अच्छा लगता है यहाँ का सफ़र करना मुझे। और यार कितना प्यारा मौसम हो रहा है सर, और पता है मन इतना मतलब बहुत अच्छा मन लग रहा है गाइस, जब से निकले हैं तब से लेके बारिश टिम 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 गिर रही है बस भाई। तो इधर है बहुत ही प्यारी ग्रीनरी, देख के भी मतलब मन खुश हो जाता है गांव का वातावरण ना। गांव जैसे जैसे पास आते हैं तो एकदम से हवा तो शुद्ध लगने लग जाती है। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the... ये हमारे गांव में प्रवेश करते हुए और हमारे गांव का गेट आता हुआ और कोई भी दरवाजे बंद कर। तो गाइस हमने पल्ला ले चुके हैं और हमारा पल्ला हो चुका है, पूरे बहू वाला हमारा लिबास हो चुका है, और हम जाके गांव में इस तरह से अब ऐसे बैठे। और ये रुको, पहले तो कुत्ते ने रास्ता काटा, अब ये घोड़ा है जिन्हें गधा है, देखो घोड़ा है। अच्छा घोड़ा है ये, साइड में गधी है ये, इधर खच्चर है ये, सॉरी ये मिक्सर जो ब्रीड होती है ना वो ब्रीड होते हैं वो वाली। और यहाँ पे बस है और बहुत बड़ा गाँव है इनका। तो गाइस अब हम इस पल्ले को इस तरह से कर लेंगे, बट ये साड़ी का कलर है बहुत प्यारा, इसमें मेरी सुंदरता बढ़ सी जा रही है ना भाई। कमेंट आ रहा है तुझे, मुझे बहुत प्यारी लगती है साड़ी। तो गाइस अब हम ससुराल में आ गए हैं, और विदाउट मेकअप के हम ऐसे संसु मेकअप से तो नहीं करना। तो गाइस पहुंच गए हम अपने ससुराल में, और यहाँ पे सारी लेडीज बैठी हुई है, लेकिन लगन जी लग गई इसके लिए हम जल्दी जल्दी करके भागे थे, उस काम हो गया कंप्लीट। इधर बैठे हैं सब लोग। तो गाइस घर चले गए थे, घर से अभी वापस आए हैं, और अभी यहाँ से ना हम जो फर्नीचर वगैरह भाई ने बुक कर रखा है वो सीधे जाएगा लड़के वालों के घर, तो अभी फिलहाल वहाँ जाएंगे, कुछ फ्रूट वगैरह खरीदे जा रहे हैं, तो हम वापस मुराद ने घर आ गए हैं फिलहाल तो। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश जबरदस्त हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है जबरदस्त एकदम। तो यहाँ निकलने में है थोड़ी सी समस्या, गाड़ियों का जो है झुंड बना हुआ है बराबर। ये यहाँ पे फ्रूट तो थोड़े से ही दिख रहे हैं मुझे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फिलहाल फ्रूट का जो हमने लेना था वो तो ले लिया, आप देख सकते हो पीछे जो है फ्रूट रखे हैं, और अभी लड्डू बहुत सारे लड्डू जाते हैं जो यहाँ पे चलते हैं, वही सारे कर्म चलेंगे। और अभी हम फर्नीचर की दुकान पे रुके हुए हैं, तो यहाँ से देखेंगे फर्नीचर्स वगैरह जो डायरेक्ट जाएगा लड़के वालों के घर। तो गाइस सवेरे 5 बजे से घर से निकले हैं, तब से मतलब ये देख लो बारिश लगातार बनी हुई है, अभी भी मतलब ना खुल के बारिश हो रही है ना बंद हो रही है, तो बारिश ने तो अपना कहर बराबर पूरा कहर बरसा रखा है। और अभी जो है यहाँ सारा सामान जो है पैक करा दिया, जितना भी फर्नीचर वगैरह है वो डायरेक्ट जाएगा लड़के वालों के यहाँ पे, वो सारा सामान पैक हो चुका है, और कुछ और सामान है छोटे छोटे बहुत सारे सामान है, वो सारे सामान की अभी पैकिंग चल रही है फिलहाल। और मैं दिखाता हूँ इस बीच ना हमने एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ ली है, जिसके लिए हम मतलब एवरीबडी इज अटैच्ड। और ओ गाइस ये हैं वो अपने गन्नू बाबा, कितने क्यूट और कितने मतलब बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मतलब दिन की शुरुआत अब अच्छी होने वाली है। गन्नू जी बैठ चुके हैं, वो खा लिया ब्रेड पकौड़ा खाया, थोड़ी सी भूख मिट गई है, और हमने मिठाई वगैरह जो है सब ले ली है फिलहाल तो, और अब बैठ गए भैया। हाँ ये हुआ, और मजे की बात जो हमारे गाँव से लिंक है सब दुकानों से वहीं से सामान लिया गया है, अपने ही लोग हैं जितने भी हैं मार्केट में, और भाई की जो जबरदस्त है अपनी पहचान, और सारी पहचान का करा पूरा भरपूर इस्तेमाल। यहाँ साइड में ना रोड पे जाम लग गया है, पता नहीं किस खुशी में लगा रखा है जाम, ये तो नहीं पता, पर बहुत जाम लगा हुआ है। तो गाइस घर पहुंच गए हैं, सारा सामान वगैरह जो है लोड हो चुका है,
और यहाँ देखो भाभी जो है खाना बना रही है, भैया बैठ के बनाती है, इनका अपना स्टाइल है, पूरी धड़क है भाई इनको, खड़ा तो खाना खड़ा होकर बना रहे हैं, बैठ के बनाना बहुत अच्छा लगता है। चलो तो गाइस 1:30 बज चुका है, 1:45 बज गए हैं और हम अभी निकले नहीं है, निकलने की पूरी तैयारी है। मेरे साथ देखो रीता बैठ चुकी है आगे फ्रंट सीट पे, और संस्कृति है, और साथ में वत्सल, ये तो अपना विंडो का खिलाड़ी है, खी सीट पे बैठा हुआ है गाइस। और अभी हमारी गाड़ी जा रही है, बाकी तो हमारी ऑलमोस्ट सारी गाड़ी निकल चुकी है, देखो ये सब गाड़ियां जा रही है, हम पीछे रह जाएंगे। अभी रोहित को लेना है और योगेश को लेना है ना, तो दो लोग अभी हमारे पेंडिंग है, तो वो मेरी गाड़ी में आएंगे, उसके बाद चलेंगे। आ गया ये खिलाड़ी, आ जा बेटा इसी गाड़ी में बैठ जा, वत्सल के पास आ जा, उधर से अगर ना पावे वत्सल के पास पीछे, तो ठीक है जा। तो गाइस घर का नहीं है पता किसी को भी, सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं, फिलहाल बैठ गए हैं। भैया रीता तुम्हें भी ना पता, ये बालकों को भी ना पता, उंगली दिखा रहे हैं, बताओ। तो गाइस गांव में पानी का बहुत ज्यादा स्वागत किया जा रहा है पानी से, और ये भी नहीं पता कहाँ पे गड्ढा है कहाँ क्या, अंदाजे से तुक्के में चला जा रहा है, और जब फंसेंगे तो सारे सारे फंसेंगे, और बच गए तो जय श्री राम। तो गाइस यहाँ प्रोग्राम पूरा हो चुका है, लेकिन देखिए लाइव गांव में दिखे दर्शन मोर राजा के, जंगल में मोर राजा किसने नहीं देखा, लेकिन ये सड़क से जा रहा है भाई, पता नहीं किसी के घर जा रहा है, इसे कोई पता बता दे कहाँ जाना है भाई, इधर आ जाओ। ओ भाई साहब बच्चों ने उड़ा दिया मोर को भाई, बड़े खास उड़ाते नहीं है ना, दिमाग कम है इन बच्चों में है ना। चलो बेटा, तो गाइज अक्कू के घर आ गए हैं, भाभी के घर, और यहाँ पे छोरा जो है देखो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ना, ओ वो डर गई है बिल्कुल ही, ओ बड़े वाली भी, उसकी मम्मी भी खड़ी हो गई भाई, हाँ चल चल अब चल रहे हैं, चलो 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 चलो, हाँ हाँ चलो 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 बेटा, भाई मैं नहीं छोड़ सकता, दूध भी निकालना, चल टाइम भी हो रहा। तो गाइस हम यहाँ बागों में रुक गए हैं, और लाइव देखो भैया आम, और छोरे की नज़र है, तीर की नज़र और बाज की चील की चाल सब यहीं पे लगी हुई हैं, और ये चुरा कर भागने वाले संस्कृति, दुपट्टा अच्छे से बांध ले बेटा, बाग वाला भागेगा, देख बाग वाला आ गया, हाँ बाग वाले भी आ गए हैं भैया, और आम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आम देख लो भैया। तो गाइस यहाँ पे ना फोटो सेशन वगैरह पूरा कर लिया हमने, और इनके अभी भी प्यास बाकी है, एक चार उंगली दिखा रही है, एक दो उंगली दिखा रहा है, और भाई क्या मैं तो कह रहा हूँ कि गाड़ी आगे निकालते, हाँ गाड़ी आगे निकालो, वहाँ सब कर देंगे जो भी करना है। तो आपने देखा बाघ यहाँ पे, और बाघ भाई आपने ही है, ये सारे बाघ किराए पे दे रखे हैं, रीता के तो 5 बाघ हैं, तो ये अपने बाघों का दौरा कर रही है फिलहाल, और भाई मेरा बाघ नहीं है, अब बच्चों के बाघ है सारे, 10 बज चुके हैं और अभी हम यहीं पे घूम रहे हैं अभी फिलहाल। वत्सल देखो आज नल के पानी पे पीना था पानी, तो इसको पिला दिया सरकारी नल का पानी, आ जा अभी चल रहे हैं घर, और घर जाके राधिका को लेना है, राधिका निकलने का नाम नहीं ले रही गाइस, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बुलाना आना पड़ रहा है, हाँ तो आप चलेंगे हम, और चलने की हो गई है पूरी भरपूर तैयारी, लेकिन आंटी और वत्सल कहाँ हैं, यहीं रहे।